चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल लर्निंग विद जर्गिस पर। चलिए पिछली वीडियो में हम लोगों ने तुलसीदास जी के बारे में पढ़ लिया था, यानी वो किससे संबंधित थे, राम भक्त काव्य से संबंधित थे। आज हम लोग कृष्ण काव्य से संबंधित जो सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं सूरदास जी, उनके बारे में आज हम लोग कुछ चर्चाएं करेंगे। चलिए तो सूरदास जी के बारे में पहले देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सूरदास भक्ति काल के सगुण काव्य धारा में काव्यधारा के भक्तिकाल के सगुण काव्यधारा के सुराश्रयी शाखा के कवि हैं। किस शाखा के कवि हैं? तो कृष्णाश्रय शाखा के कवि है। ठीक, अब देखिए एक कृष्णाश्रय शाखा के कवि हैं। अगर इनके जन्म के बारे में पूछता है तो इनका जन्म चौदह से अठहत्तर ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक, और अगर मृत्यु की बात करता है तो इनकी मृत्यु 1500। यानी एक कुल कितने वर्ष जीवित थे? तो 105। यानी ये पूरे 105 वर्ष जीवित थे। और इनका जन्म स्थान के बारे में अगर पूछता है तो जन्म स्थान रुनकता यानी सीही के निकट है। रुनकता से ही इनका जन्म स्थान माना जाता है। और अगर इनकी मृत्यु स्थान की बात की जाए मृत्यु इनका परसौली नामक काम में हुआ था। परसौली अगर बात की जाए तो परसौली कहा तो परसौली मथुरा के निकट है। अब देखिए इतना ही नहीं, सूरदास के जन्म हो गया 1478 ईस्वी, इनकी मृत्यु हो गई 1583 ईस्वी, इनका जन्म स्थान हो गया रुनकता सीही हो गया, मृत्यु स्थान परसौली मथुरा के निकट माना जाता है। अब आपसे पूछ सकता है कि सूरदास रहते कहाँ थे, यानी इनका निवास कहाँ था। तो ये मथुरा में रहते थे। देखिए आपसे कभी पूछ सकता है कि मथुरा किस मथुरा में कौन सा लिंग है, तो मथुरा नगरी होती इसमें आपका स्त्रीलिंग है। हालांकि शहरों एवं नगरों के जो नाम होते हैं, इन शहरों और नगरों के जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पुलिंग होते हैं। लेकिन कुछ शहर ऐसे होते हैं
यानी तीन ऐसे नगर हैं जहाँ पर स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है, जैसे मथुरा नगरी, काशी नगरी, काशी नगरी, फिर अयोध्या नगरी। गाना सुने हुए ना, नगरी हो अयोध्या, जो भी हो। चलिए, तो इनका निवास कहाँ था? मथुरा नगरी। अब देखिए इनके गुरु का नाम, इनके गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य। अब देखिए आपसे एक चीज पूछता है, एक चीज आपसे पूछता है कि सूरदास जन्मांध थे या बाद में अंधे थे? पूछता क्या है, इसको आप कहानी के तौर पर जानते रहिए। ये अगर आपसे, आपको जानने की इच्छा हो तो, कुछ विद्वान सूरदास जी को जन्मांध मानते हैं और कुछ विद्वान मानते हैं कि ये बाद में अंधे हुए। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कर दिया किंवदंती के रूप में कि जो सूरदास थे ये बहुत अच्छे थे और ये एक राजा के दरबार में रहते थे, और जिस राजा, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं, और जिस राजा के दरबार में ये रहते थे उस राजा की पत्नी यानी रानी से ये प्रेम करते थे। अब जब ये बात राजा को पता चलती है तो राजा क्या करता है, सूरदास की दोनों आंखें फुड़वा कर जंगल में छुड़वा देता है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। लेकिन लोग वैसे, अगर रामचंद्र शुक्ल जी की बात की जाए तो और इत्यादि विद्वानों की बात की जाए तो ये लोग क्या मानते हैं, जन्मांध मानते हैं। क्यों मानते हैं? कहते हैं कि सूरदास जी जन्मांध थे। कुछ लोग मानते हैं कि जब जन्मांध के बारे में जो प्रमाण मिलता है, तो कुछ लोग मानते हैं कि सूरदास जी किसके खानदान, किसके परंपरा के हैं, किसके कुल के, कुल की शाखा है, तो चंद्रबरदाय के शाखा को माने जाते हैं। लेकिन अब देखिए होता क्या है, एक समय बताया जाता है कि सूरदास जी किसी जंगल की तरफ से या किसी जंगल के रास्ते से गुजरते हुए जा रहे थे, अचानक इनको प्यास लगती है और पानी पीने के लिए जाते हैं, और जो कुएं की जगत होती है, जगत का ठीक से अंदाजा न होने के कारण ये क्या करते हैं, कुएं में गिर जाते हैं। अब जब ये कुएं में गिर जाते हैं तो वहां पर ये भगवान श्री कृष्ण का सुमिरन करना शुरू कर देते हैं। क्यों? कुछ लोग मानते हैं कि अगर जन्मांध थे, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का इतना अच्छा स्वरूप वर्णन कैसे किया जब ये भगवान को देखे नहीं, तो उसी के बारे में प्रमाण दिए गए। तो जब ये जानते हैं, उसमें गिर जाते हैं, भगवान का सुमिरन करना शुरू कर देते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण इनको बचाने के लिए आते हैं, और जब आते हैं तो इनको बचाते हैं और इनकी दोनों आंखें सही कर देते हैं। जब सही कर देते हैं तो भगवान का दर्शन इनको होता है, तो भगवान से कहते हैं, प्रभु आप मुझे अपने बाल रूप का भी दर्शन करा दीजिए, तो भगवान इनको अपने बाल रूप का भी दर्शन करा देते हैं। लेकिन भगवान जब जाने लगते हैं तो सूरदास जी से पूछते हैं कि आपकी आंखें सही हो गई, आप कुछ और चाहते हैं? बोले, प्रभु मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि आपने जो मेरी दोनों आंखें सही की हैं इसे पुनः आप वापस ले लीजिए। प्रभु बोलते हैं, ऐसा क्यों? कहते हैं, प्रभु मुझे आपका दर्शन हो गया, अब आपके सिवा मैं किसी का दर्शन नहीं, और उसी बाल रूप का दर्शन किए, उसी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किए, और दर्शन करके जब ये आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करने शुरू करते हैं। इन्होंने अपने गुरु वल्लभाचार्य को माना है। ऐसा माना जाता है कि वल्लभाचार्य की शिष्य परंपरा में सबसे बुद्धिमान कौन थे? सूरदास जी थे। सबसे अच्छे भक्ति पर जो रचना करते थे सूरदास जी करते हैं, और ऐसा भी माना जाता है कि सूरदास श्री कृष्ण के बाल लीलाओं के परम उत्कर्ष क्या कह दिया जाए कि ये जो है बाल लीला के जनक कहे जाते हैं, वास्तव के जनक कहे जाते हैं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के वर्णन के कारण। ठीक, अब देखते हैं, इतना तो सब कुछ हो गया। यहाँ तक बताया जाता है कि जो वल्लभाचार्य के क्या बोलते हैं पुत्र थे विट्ठल नाथ जी ने, उन्होंने अष्ट छाप का प्रमुख कवि किसको बनाया था? सूरदास जी को बनाया। ठीक, यानी ये अष्ट छाप के प्रमुख कवि थे। ठीक, अब देखिए ऐसा इनकी दूसरा पॉइंट देते हैं, इनकी रचना पहले देख लेते हैं, इनकी रचना कौन कौन सी है। यहाँ पर इनकी रचना देख लेते हैं,
रचना है। देखिए पहली रचना है सूरसागर। ऐसा माना जाता है कि सूर्य सागर में 1,25,000 पदों की रचना इन्होंने किया, लेकिन इस समय वर्तमान में बताते हैं कि महज इसमें से 10,000 पद मिल पाए। ठीक, हाँ वो तो आता है ना, दीक्षले वल्लभाचार्य से गाया बाल कृष्ण कीर्तन, फिर भरा सूर सागर उड़ेल 1,25,000 की पद गगरी। ठीक, चलिए सूर सागर, दूसरा सूर सरावली, सूर सरावली, तीसरा सूर पच्चीसी, चौथा साहित्य लहरी, पांचवा नाग लीला, छठा गोवर्धन, लीला सातवां पद संग्रह, अंतिम और लास्ट भ्रमर गीत। ये रचना है सूरदास जी की, यानी सूर सागर, सूर सरावली, सूर पच्चीसी, साहित्य लहरी, नागलीला, गोवर्धन लीला, पद संग्रह और भ्रमर गीत। अब चलिए फिर इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों में हम दूसरा तथ्य देखते हैं। अभी इसको फिर आपको हम बताएंगे, ठीक, एक एक करके सभी के बारे में हम आपको बताते हैं। तब तक इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में हम देखते हैं दूसरा पॉइंट। सूरदास जी को जनक, जनक माने पिता होता है, जनक माना सूरदास जी को वास्तव का जनक माना जाता है। ठीक, तीसरा देखिए सूरदास की, सूरदास जी अष्ट छाप के प्रमुख कवि थे। सूरदास जी अष्ट छाप के कैसे कवि थे, तो प्रमुख कवि थे। शायद से आप लोगों को कम स्पष्ट हो पा रहा होगा। चौथा सूरदास की भक्ति भावना, भावना
सखा या साखी? भाव तिथि सखा या साखी भाव की थी। ठीक, पांचों देखते हैं। सूरदास जी की काव्य भाषा, सूरदास जी की काव्य भाषा ब्रज थी। अगर बात करता है सूरदास की काव्य भाषा कैसी थी, तो सूरदास जी की जो काव्य भाषा थी वह कैसी थी? ब्रज थी। ठीक, अब देखिए कितना हो गया ना, तेरी सूरदास जी के बारे में इतना हो गया। अब इसमें क्या बचता है आपका? संभवतः आप तो कुछ नहीं बचता सूरदास जी के बारे में, ज्यादा कुछ इनकी रचनाओं के बारे में तो बचता है। ठीक, वासल सूरदास बाल लीलाओं के जो रचनाएं होती हैं या बाल लीला वर्णन के अग्रणी कवि माने जाते हैं इस सूरदास जी। ठीक, अब एक बार फिर से हम देख लेते हैं। अगर बात करता है कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ था, तो सूरदास जी का जो जन्म हुआ था वह 1478 ईस्वी में हुआ था। अगर हम मृत्यु की बात करें तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1583 ईस्वी में हुई थी। ठीक, और इनका जो जन्म स्थान था वह रुनकता था। रुनकता कहाँ है? सीही के निकट। ठीक, मृत्यु स्थान परसौली और मथुरा के निकट माना जाता है। ठीक, इसके बाद पूछता है निवास स्थान, तो निवास स्थान मथुरा में ही ये रहते थे। गुरु वल्लभाचार्य, यानी इनके गुरु का नाम पूछता है तो इनके गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। इससे ज्यादा इनसे कुछ नहीं पूछता है। ठीक, चलिए इसके बाद कहते हैं सूरदास भक्ति काल के, किस काल के? भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के कृष्णाष्टमी शाखा के कवि है। ठीक, कवि है नहीं वर्तमान में, तो भक्ति काल नहीं चल रहा कवि थे। कवि थे, कभी कभी होता है दिमाग से जाता है, टेंशन थोड़ा सा गलत हो जाता है। अब यहाँ दिया है कि सूरदास जी को वात्सल्य रस का जनक माना जाता है, यानी इनको किस रस का जनक माना जाता है? तो वात्सल्य रस का जनक माना जाता है। सूरदास जी अष्ट छाप के कवियों में प्रमुख कवि थे। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है अष्ट छाप की स्थापना के बारे में ना, तो आप लिख सकते हैं देखिए इसका एक पहला महत्वपूर्ण तत्व होगा अष्ट छाप की स्थापना। थोड़ा ऊपर हो जाता तो मुझसे लिखते नहीं बनते। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1565 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में। ठीक, वल्लभाचार्य के पुत्र पुत्र विठलनाथ ने किया था। विठलनाथ ने किया था। अगर आपसे पूछता है कि अष्टछाप की स्थापना किसने किया था, तो वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने किया था, वो भी
1565 ईस्वी में किया था। ठीक, अष्ट छाप में कुल 8 कवि थे। इसका दूसरा पॉइंट, अष्ट छाप में कुल 8 कवि थे। अष्ट छाप में कुल कितने कवि थे? 8 कवि थे, जिसमें से जो 4 कवि थे वो विठल नाथ के शिष्य थे और 4 किसके थे? तो वल्लभाचार्य के शिष्य। ठीक, चलिए उस पर भी अब इससे ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं ना। अगर कहीं और कोई दिक्कत होती है तो हम आगे टॉपिक पे फिर बात कर लेंगे। ठीक, आज के लिए हम लोग इतना करते हैं। सूरदास जी के बारे में शायद आपको सब चीजें समझ में आ गई होंगी। अगले टॉपिक में हम फिर आपसे मिलते हैं। रचनाएं आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगले टॉपिक में हम फिर मिलते हैं। तब तक आज के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए।